हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज के फिजिक्स सेशन में आप मेरे साथ पढ़ने वाले ग्रेविटेशन। तो इस टॉपिक की तरफ ग्रेविटेट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि जब आप ग्रेप्स को माइक्रोवेव में रखते हो दे एक्सप्लोड। वाई डू दे एक्सप्लोड? दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस 2011, बट अल्टीमेटली 2019 में फिजिसिस्ट ने ये पता चल लगाया एब्सोल्युटली किस वजह से ग्रेप्स जो हैं अगर आप माइक्रोवेव में रखोगे तो वो दिल कैच फायर। नाउ प्लीज़ डोंट ट्राई इट एट होम बिकॉज यू मे एंड अप रूइनिंग योर माइक्रोवेव एट होम। सो उन्होंने भी काफ़ी सारे माइक्रोवेव ख़राब करे थे। तो कुछ ऐसा देखो आपको जैसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है अलग अलग सिनेरियो में। दे कट ग्रेप्स अपार्ट एंड देन पुट इट इन द माइक्रोवेव और अलग अलग सिनेरियो। उन्होंने उसका पील ऑफ कर दिया। देन दे ट्राइड टू फाइंड आउट दैट व्हाई इज दैट दिस हैपनिंग। So what they found is कि this is happening due to the plasma formation। ये जो grapes हैं इसकी plasma formation में help करते हैं जब आप इसे microwave में रख देते हो। हमें पता है microwave में जो भी कोई food material में अगर water molecule हो तो वो vibrate होते हैं and eventually वो चीज़ heat up हो जाती है। इधर जब grapes में भी plasma यानी कि ionic गैस आयनाइज हो जाती है और आपको पता है आयनाइज होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट होंगे, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो एनर्जी एक्साइटेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन स्टडी ऑन दिस टॉपिक मोर, बट लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अभी हम बताते हैं कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रेविटेशन सिंपल सी बात है, फोर्सेस बिटवीन एनी टू मासेस, कोई भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन। अब कहीं नहीं अर्थ जो अट्रैक्ट करती है उस पर भी आएंगे। दैट इज द नेम के अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट होती है वो फोर्स को हम ग्रेविटी देते हैं। तो आप उसे कह सकते हो कि वो ग्रेविटेशन का स्पेशल केस होती है। ठीक है, अगर जनरल टर्म्स में ग्रेविटेशन पूछे देन ग्रेविटेशन एक वो फंडामेंटल फोर्स है, आप लोगों को मैंने फोर्स एंड प्रेशर में भी बताया था कि वो फंडामेंटल फोर्स जो कि वीकेस्ट है, ऐसे फंडामेंटल फोर्स जो कि अट्रैक्टिव इन नेचर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम जैसे जैसे अभी ये टॉपिक्स क्वेश्चंस करते जाएंगे आपके पास सब क्लियर होता रहेगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन ऑल अबाउट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, आपके यहाँ पे देख सकते हो दो स्टेटमेंट दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए 9th स्टैंडर्ड में हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर आता है, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है कोई भी दो मासेस के बीच में, लेट्स से दिस इज m1 दिस इज m2 एंड दे आर d डिस्टेंस अपार्ट, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, वो उसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के और जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देते हैं तो आता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो कि किसी भी मीडियम के ऊपर, यानी कि अगर मैं इन दोनों मासेस को पानी में रख दूं, इन दोनों मासेस को स्पेस में रख दूं, एयर में रख दूं, जी एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, दैट्स व्हाई ये देखो, ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर के, तो इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। जी की वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये ऐसा ही सिस्टम में है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, gravitational force is directly proportional to the square of the distance between them, but it is not directly proportional, it is inversely, उल्टा उसका reciprocal form में, directly नहीं, सामने सामने नहीं, तो this is wrong। सो यू कैन सी कि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट द फॉलोइंग ऑप्शन सरफेस ऑफ द अर्थ, पोल्स, सेंटर ऑफ अर्थ, इक्वेटर. अब आप लोग कहोगे चलो जी का तो समझ में भी आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा है कि वो चेंज होती रहती है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ से ऊपर, अर्थ से नीचे. अब ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो कुछ भी देखो, इंटेंसिटी इसने वर्ड जरूर दे दिया. इंटेंसिटी से हम समझते हैं फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, इसे आप इंटेंसिटी बोलते हो. ठीक है, तो अगर अभी आप जो मेरे साथ फॉर्मूला पढ़ के आए हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, तो कुछ ये फॉर्मूला था और मास से डिवाइड कर दो तो ये कुछ बन रहा है gm/r². अब उन्होंने अर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा है, तो जब आप अर्थ ले लो, ये मास, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी, लेट्स से इसका मास है m और इसका मास है M. ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ. तो एक तो इसको अर्थ की तरफ खींचा जाएगा, इसका वेट आप लोगों को पता है कि हम भी खड़े हैं, अगर अर्थ पे स्टिक है तो हमारा भी जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा होता है? डाउनवर्ड. एंड वेट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स. विच टाइप ऑफ अ फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो वेट mg इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो एक तो ये है फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक आप लोग अभी मुझे मेरे साथ पढ़ के आए हो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, तो उसके हिसाब से ये आना चाहिए था gm/r². m से m विल गेट कैंसल्ड आउट. सो हियर यू कैन सी कि g की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे आप कैसे लेके चलते हो, gm/r². m इज द मास ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो इंटेंसिटी लो या अर्थ की वजह से आप जी की वैल्यू लो. अब आप समझ रहे हैं दैट ये जो है वो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में ही लगभग बात कर रहा है. तो हमने देखा कि अर्थ सरफेस पे तो ये वैल्यू आती है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे. पोल्स पे क्या होगा? देखिए, अगर अर्थ को आप एक्चुअल में लेके चलो, इतना ज्यादा तो इलिप्टिकल नहीं, पर हाँ उसकी इलिप्टिकल शेप होती है अर्थ की. ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये रेडियस और ये रेडियस तो अलग होना चाहिए, राइट. ये है पोल, ये दो पोल, और ये इक्वेटर. तो हम इसको ले लेते हैं आरपी और इसको ले लेते हैं आरई. अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर का फर्क होता है रेडियस ऑफ इक्वेटर, यानी कि रेडियस एट इक्वेटर, और पोल. ठीक है, सो इक्वेटर वाला जो रेडियस होता है वो पोल वाले रेडियस के 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है. तो अगर आप देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू देखी थी या जी की वैल्यू देखी है, तो वो है gm/r². जैसे ही r बढ़ेगा तो g की वैल्यू को घटना चाहिए. पोल्स पे r कम है, इक्वेटर पे r ज्यादा है. तो इक्वेटर पे r ज्यादा है तो यहाँ पे g की वैल्यू कम और यहाँ पे g की वैल्यू ज्यादा, है ना. और सरफेस ऑफ अर्थ पे gm/r² जो हमने अभी देखी है. तो ये अलग अलग आपके पास सिनेरियो दे रखे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी. मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पोल्स पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, या इक्वेटर पे. देखो सेंटर ऑफ अर्थ पे तो जीरो होती है, ये तो जीरो होती है. ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे फॉर्मूला यही जाता है gm/r². अब हम देखते हैं कि वो पोल पे या इक्वेटर पे किस पे ज्यादा होगी. तो हमने देखा कि वो पोल पे ज्यादा होगी क्योंकि रेडियस ऑफ पोल क्या है, कम. तो इवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर आप पोल्स पे हैं तो जी की वैल्यू यानी कि इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा. तो आंसर आएगा एट पोल्स. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी ऑफ द एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारी अर्थ, ये सरफेस, इधर जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर/s². देन द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट आरई, यानी कि इससे अगर मैं हाइट पे चली जाऊं, यहाँ पे इधर आपको वैल्यू बतानी है. और इस हाइट की वैल्यू कितनी है? इस हाइट की वैल्यू उतनी है जितना रेडियस ऑफ अर्थ है. ठीक है, ये भी कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ जितना. तो आपको जी डैश की वैल्यू बतानी है। देखिए हाइट के साथ आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा है, कोई नई बात नहीं है। मान लो ये आ रही है और ये एक और हाइट ऐड है, तो आपको लग रहा है ना कि अगर जी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखी थी, जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना, या आर ई स्क्वायर ले लो, ये लो अभी निकाल के आए थे। तो इधर क्या आ जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए जी एम बाय आर ई प्लस आर ई स्क्वायर, यही आना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दो, जी डैश बाय जी, वहाँ पे क्या आ जाएगा जी एम आर ई प्लस आर ई टू आर ई, है ना, टू आर ई का होल स्क्वायर। अब टू का स्क्वायर फोर, तो फोर आर स्क्वायर जी एम बाय, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी डैश बाय जी 1/4, यानी कि नई जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी बाय 4, दैट इज 10/4। तो ये आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए आपने निकाल लिया, नहीं भी निकालना हो तो देखो फॉर्मूला होता है जी डैश बाय जी इज इक्वल्स टू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइट पे, यानी कि कभी भी आपको हाइट पे अगर जी की वैल्यू निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 12। ओके, एक मास दे रखा है 12। व्हाट इज द वेट ऑन मून। देखिए मास और वेट अलग अलग होता है, वेट एक टाइप की फोर्स है, वेट को हम लिखते हैं m इंटू जी, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कह रहे मून के ऊपर अगर आप जाओ इस ऑब्जेक्ट को लेके तो इसका वेट कितना हो जाएगा। अगर मास पूछा होता तो आपका आंसर सेम रहता, क्योंकि मास कहीं पे भी लेके जाओ वो चेंज नहीं होता, बट उन्होंने तो वेट पूछा है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर जी अर्थ पे जी है तो मून पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो अर्थ की 1/6 हो जाती है, तो वेट भी यही होएगा, है ना, वेट भी यही होगा, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ बाय 6, है ना। तो अभी हमने क्या निकालना है, वेट ऑन मून निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए मास कितना है, 12 है, जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी है, 9.8 ले लो या 20 ले लो, 20 भी लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ ही जाएगा। मान लो हमने 20 क्यों लें, 10 लेंगे। जी या तो आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 ले लेते हैं बाय 6, तो ये आ गया 20 आया न्यूटन में, वेट हमेशा न्यूटन में मेजर होता है। ओके, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स। ओ अब 20 तो आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, नियरेस्ट उन्होंने 9.8 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 9.8 तो आ जाएगा 19.6, तो आंसर क्या आएगा 19.6 न्यूटन। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं, What would be the acceleration due to gravity एक ऐसी planet पे जिसका मास जो है वो अर्थ पे जितना मास है, इसको स्मॉल m ले लेते हैं, planet पे वो 1/7 है मास ऑन अर्थ के। ठीक है, और रेडियस जो है वो है 1/2 the radius ऑफ अर्थ। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, ये ऑन प्लैनेट जितना मास है और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो क्या होगी जी की वैल्यू अगर मैं कोई ऐसी प्लैनेट ले लूं जिसका मास तो हमारे अर्थ के मास से 1/7 है और जिसका रेडियस हमारे रेडियस के हाफ है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था जी किसके इक्वल होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर के, पर अब तो हमें ऐसी, तो ये जी की वैल्यू तो अलग निकालनी है, तो प्लैनेट वाले को जी डैश ले लेते हैं। मास की जगह क्या लिखे, मास की जगह हमारा मास अब कितना है m/7, r कितना है r/2, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/7 gm/r²। अब ये gm/r² तो अर्थ पे है ना, अर्थ पे उन्होंने हालांकि दे रखी है, हाँ दे रखी है 9.8, तो 4/7 × 9.8, ये वैल्यू से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने 10 लेके अप्रोक्सीमेट भी करनी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने 10 ले लिया तो क्या आ जाएगा 40/7, राइट। 40/7 का आंसर क्या आ जाएगा 5 एंड पॉइंट दैट वुड बी 7, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हमारा 5.6 आ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे फटाफट से चाहे 9.8 हो चाहे ना हो 10 से फटाफट अप्रोक्सीमेट करो और आंसर टिक कर दो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो सैटेलाइट हम स्पेस में भेजते हैं वो बार बार मतलब रिवॉल्व करती रहती है, ऐसा नहीं है कि खराब होगी, है ना, चलो ठीक है खराब भी होगी, पर काफ़ी टाइम तक के लिए उसको एनर्जी मिलती रहती है ऐसे रिवॉल्व करने के लिए। तो कहाँ से मिलती है, तो कह रहे हैं विंड से, हाइड्रो एनर्जी पानी से, सोलर सन से, काइनेटिक जो वो घूम रही है काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से। तो जितनी भी ये सैटेलाइट्स हैं स्पेस में इन सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सोलर एनर्जी, सन से। आपने देखे भी होंगे उसके जो विंग्स टाइप का जो होता है ना सैटेलाइट का विंग्स, उसमें ऐसे ऐसे कलर के ऐसे दो लगे होते हैं, ये सोलर पैनल्स लगे होते हैं ताकि वो एनर्जी जो है वो सन से ले सके एंड दे कंटिन्यू टू मूव और डू देयर वर्क। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा सोलर, यानी कि सन की एनर्जी से दे वर्क। ओके, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will be highest at a distance r above the earth surface। चलो ले लेते हैं ये, हम इसका रेडियस r ही मान लेते हैं। कह रहे हैं कोई डिस्टेंस r ले लो, यहाँ पे g की वैल्यू इसको g1 दे देते हैं। एट सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, एट सेंटर ऑफ द अर्थ कोर और इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो देखिए अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जब नीचे जाएंगे तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और सरफेस ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू 10 या 9.8 होती है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेटर एंड पोल्स वो भी वेरी कर सकती है। तो पर अभी तो हमें इस जी1 जी2 जी3, मैंने आपको बताया कि एट सेंटर ऑफ अर्थ आर की वैल्यू 0 होती है। ये मत सोचना कि gm/r² से आर की वैल्यू 0 होगी तो वो इनफाइनाइट होना चाहिए। देखो अंदर जो होता है ना, अंदर अर्थ के जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वाला रिलेशन फॉलो करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अंदर जब आप जाओगे डेप्थ के अंदर तो उस अर्थ का मास कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, मान लो आप यहाँ पे गए अर्थ के अंदर तो अर्थ की बॉल कुछ छोटी होगी जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कभी भी आप अंदर अर्थ के अंदर जाने तक के लिए, या कभी आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि डेंसिटी कांस्टेंट है, हम अंदर क्या मान के चलते हैं कि इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट है, अर्थ की मास कांस्टेंट नहीं लेके चलते। तो उसके लिए अंदर फॉर्मूला क्या होता है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे ही आर की वैल्यू 0 हुई जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो एट सेंटर जी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये ग्रेविटी नहीं है, यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। एट सरफेस वही gm/r², इसको आप 10 या अप्रोक्सीमेटली 9.8 ले सकते हो। ऊपर डिक्रीज हो जाएगी, ऊपर आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने पहले बताया था वो, या एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 - 2h/r, ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बट इन शॉर्ट जी की वैल्यू कम होएगी, इस सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मून पे भी कम होती है, राइट, आप ऊपर जाते हो मून पे, मून की ग्रेविटी कम हो जाती है, फोर्स ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी 1/6 वैल्यू हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब आप हाइट पे जाओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वेल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हाइएस्ट किस पे आएगी, एट सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लो स्टेट ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट आर इलिप्सिस। कह रहे हैं जिस ऑर्बिट में प्लैनेट मूव करती है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, यानी कि मान लो ये हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है और ये हमारा सन है। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकाई होते हैं, मान लो ये ऐसे है, या तो यहाँ या यहाँ। तो ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि प्लैनेट यहाँ मूव कर रही है तो उसके हिसाब से आप दूसरे फोकस पे ले लोगे। तो किसी भी एक फोकस पे अगर मैं सन को मान के चलूं तो प्लैनेट का ऑर्बिट क्या होता है, एलिप्टिकल। ठीक है, ये हमें बताते हैं केपलर के फर्स्ट लॉ। केपलर के फर्स्ट लॉ जो होती है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो एग्जैक्टली यही बताती है कि जब भी प्लैनेट मूव करेगी किसी ऑर्बिट में तो वो एलिप्टिकल मोड पे मूव करेगी और जो सन होगा वो एक फोकाई पे होगा। दूसरी लॉ होती है केपलर की, केपलर सेकंड लॉ, जिसे आप लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। वो कहती है जो ये प्लैनेट है, अगर मैं सन से प्लैनेट का एक डिस्टेंस, एक एरो लगा दूं, पोजीशन वेक्टर बना दूं, तो मान लो 2 साल में मेरी प्लैनेट जो है वो यहाँ पहुँच गई, तो कहीं पे भी अगर मैं 2 साल ले लूँ तो ये जो एरिया है प्लैनेट का कवर करा हुआ वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। ये हमें बताती है सेकंड लॉ केपलर की। केपलर्स थर्ड लॉ, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ, थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। ये कहती है कि जो एक टाइम पीरियड है प्लैनेट का, टाइम पीरियड मतलब मानो यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी प्लैनेट और ये घूम के यहीं वापस आ गई तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करा, राइट। इसका जो टाइम पीरियड है अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं और ये जो आपको दिखाई दे रहा था एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये देखो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा मैथ्स, वैसे तो आप एनडीए में अगर सीडीएस वाला पढ़ते हो तो मैथ्स अगर गर्ल्स हैं वो नहीं ऑप्ट करती बट बॉयज़ करते हैं, तो ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, इसकी जो मैंने ये लाइन मार्क करी है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, जिसे 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका आधा कर दूं तो उसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं ये जो टाइम पीरियड है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, क्योंकि देखो सन कहीं ना कहीं जाके एक फोकस पे है, यहाँ पे प्लैनेट का डिस्टेंस कुछ अलग होगा, यहाँ पे प्लैनेट का डिस्टेंस कुछ अलग होगा, पर जब आप इन दोनों का मीन लोगे तो आप ए पे आ जाओगे। ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस का होल क्यूब। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसके क्यूब की पावर के टी स्क्वायर, यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारे पास केपलर के फर्स्ट लॉ ही था, बट मैंने आपके साथ तीनों लॉ डिस्कस कर लिया है इन केस अगर कुछ आपको स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए तो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, आप लोग मेरे साथ फर्स्ट स्लाइड में पढ़ के आए हो कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो ऐसे वेरी करती है। कह रहे डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस को डबल कर दिया, मतलब एक नई फोर्स ले लो, ये डिस्टेंस जो है इसे डबल कर दिया गया, तो हमारी वैल्यू कैसे चेंज होएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। पहले फॉर्मूला क्या था, gm1m2/r²। डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल डिस्टेंस का स्क्वायर इज 1/4, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, इज रिड्यूस्ड टू क्वार्टर, बिकम्स 4 टाइम्स नहीं क्योंकि डिवाइड में है, तो इज रिड्यूस्ड टू क्वार्टर यानी कि 1/4 हो जाएगा। अगला, टाइडल वेव्स इन द सी, जो ऐसे बड़े बड़े वो वेव्स होती है, आर प्राइमरीली ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन ऑन द अर्थ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ वीनस ऑन द अर्थ, या ग्रेविटेशनल इफेक्ट, एटमोस्फेरिक इफेक्ट ऑफ अर्थ इटसेल्फ। तो ये जब हमारा मून है जो चारों तरफ अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये अर्थ के क्लोज आता है एक टाइम पे, तो जो टाइड्स होते हैं वो उसके अट्रैक्शन की वजह से, अर्थ और मून की वजह से अट्रैक्ट होने की वजह से मून की तरफ ऐसे टाइड्स शो करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी कोई भी टॉपिक में पहले या अब, यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप लीडिंग।